टीवी सुनते हैं तो रिकॉर्ड कर रही हो क्या? हाँ, क्यों? सरप्राइज फॉर यू. क्या सरप्राइज है भाई? आज मैंने आपका व्लॉग स्टार्ट किया है. ओह रियली? आज हम व्लॉग कर रहे हैं. फोटोज यहाँ क्या कर रहे? सरप्राइज. आपका अपना पसंदीदार हमारी ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ कलरफुल हो गई. ब्लैक एंड व्हाइट कब थी अपनी लाइफ? ये कब किया? अभी शाम में किया. शाम में? हाँ. अच्छा लग रहा है यार अभी, है ना, कलरफुल. फोटोज कहाँ से मिले तुमको फिर ये? आपके फोन से. आपको फोन तुम में मेरे गर्लफ्रेंड्स की मैसेज चेक नहीं कर रही थी, फोटोज निकाल रही थी. अरे व्हाट्सएप चेक नहीं करती हो तुम और ये सब भी काम करते हो? मतलब व्हाट्सएप तो करती ही हो चेक. कितने हैं ये ज्यादा लग रहा है मेरे को. पहले 35 फोटोज. पहले कितने? 22 23 थे शायद ना. आपको अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. सो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों. आपने जैसा इंट्रो में देख लिया मुझे सरप्राइज मिल ही गया. मेरे को नहीं पता था ये सब कर रही है मेरे पीठ पीछे मैडम. यही सब कर रही है और कुछ नहीं कर रही. मतलब काम करके अलावा ये सब भी? तो ये सब लगाते वक्त कुछ शूट किया है क्या तुमने? नहीं, बस अनबॉक्सिंग शूट की. तो मैडम ने इसका छोटा सा अनबॉक्सिंग शूट किया है. पता नहीं, मैंने देखा नहीं है फुटेज अभी तक. तो तब तक आप फुटेज देखो. बहुत सारे तो पता है मेरे को, तुम पूछो एक एक करके मैं बताता हूँ. सबसे पहले ये वाला बताओ कहाँ लिया था? ये वाला? यस. ये अपना हम लोग जिस ऑफिस में मिले थे वाले टाइम का फोटो है. अपन गार्डन में जाकर के बैठते थे लंच टाइम में. जहाँ से अपने को भगाया गया था गार्डन से. इलीगल हाँ. काम नहीं कर रहे थे हम लोग, जस्ट बैठे थे. हाँ, वो वाला फोटो कब का है? वो ऊपर जो है वो वाला. ये वाला? हाँ. ये वाला है अपन चिकल धरा गए थे तब का ऑफिस वालों के साथ. अच्छा ये वाला? ये ये तो सभी को, व्यूअर्स को भी पता है, सब्सक्राइबर्स को भी पता चल जाएगा. ये अपनी शादी का फोटो, शादी के नेक्स्ट डे का. और नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. हाँ ये वाला कब का है? ये वाला अपन जब कुर्ग गए थे. क्या था? मेरा बर्थडे था. 31 होगा शायद से. दो साल तो हो गए कुर्ग अपन जो गए थे. हाँ. बाय बाइक गए थे वैसे हम लोग. हाँ. मैं, अमित, सैंडी और तुम बुलेट लेकर के. ये फोटो है, ये हम लोग बैनरगट्टा गए थे. ये वाला अपना शायद एनिवर्सरी का फोटो है. नो शायद, नथिंग. ये एनिवर्सरी का ही है, मैं जहाँ तक श्योर तो नहीं हूँ. हाँ ये एनिवर्सरी का फोटो है. कौन सा एनिवर्सरी? थर्ड, फोर्थ, सेकंड? सेकंड. हाँ सेकंड में. इससे पता चल गया आप मेरे को कितना प्यार करते हो. फर्स्ट एनिवर्सरी का है. फर्स्ट एनिवर्सरी का ये है कि ये है फर्स्ट एनिवर्सरी का फोटो? यहाँ पर है. कहाँ? ये है फर्स्ट एनिवर्सरी का. ये भी फर्स्ट का ही है. हाँ. ये वाला हम लोग ऐसे ही कहीं घूमने या खाने जा रहे थे. अमित का बर्थडे था शायद से, कि क्या पता नहीं है. तो ये सारे मेमोरीज लड़की याद रखे, लड़कों का कुछ काम ही नहीं है. तो ये अमित का बर्थडे था शायद से, तब का फोटो है. तो तुम बताओ. मेरा बर्थडे था. तुम्हारा बर्थडे था क्या? ये तुम्हारे बर्थडे का है और क्या. ओ, ये कैसे हो गया? ये पहला बैशाख का है. नागपुर में थे हम लोग शादी के बाद का फर्स्ट पहला बैशाख. ये हम लोग हनीमून पे गए थे शादी के बाद गोवा. साउथ गोवा का है ये वाला फोटो. ये भी बहुत रीसेंट फोटो है. हम लोग ऐसे ही डिनर करने गए थे. ऐसे ही नहीं बोल सकते आप, ऐसे नहीं बोल. वैलेंटाइंस डे था इस दिन. ये हम लोग संगम करके एक जगह है यहाँ से कुछ 70-80 किलोमीटर दूर. हाँ. तो वहाँ गए थे. इसके साथ भी एक बहुत घटना जुड़ी है. अर्चना की आइटम वाली घटना. चलो कभी अगले व्लॉग में कभी बताऊंगा. ये वाला जो फोटो है, ये वाला हम लोग गोवा गए थे. मेरी बहुत एक बेस्ट फ्रेंड है अनुषा, उसके वेडिंग में. तो ये गोवा का फोटो है. ये हनीमून हमारा गोवा. This is also Goa. इस दिन होली थी तो इसने कलरफुल ड्रेस पहना था. This is also Goa. अनुषा की वेडिंग जो कि चर्च में होती है. ये चर्च अगर आप देखो तो आपने बहुत सारे फिल्मों में देखा है. अर्चना का बर्थडे अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो शायद से मंदिर शायद. मंदिर जाके आए थे हम लोग. करेक्ट? कंफर्म है? हाँ हाँ पक्का. कंफर्म कंफर्म. आप भूल तो नहीं रहे हो ना? नहीं नहीं. ये हमारा ऑफिस का फोटो है.
तो ये वाला जो फोटो आप देख रहे हो ये ऑफिस का टाइम का है। इस दिन शायद से अर्चना का बर्थडे था। अर्चना का बर्थडे कितने बार अर्चना का बर्थडे? ये मेरा बर्थडे तो नहीं था, ये अमित का बर्थडे था शायद से, उस दिन का फोटो है। दिस इज सिंदूर खेला के दिन का फोटो है ये। विच सिंदूर खेला? फर्स्ट सिंदूर खेला बैंगलोर में जो हम लोग किए थे। ये वाला फोटो हमारे शादी के कुछ टाइम पहले, यानी अर्चना का बर्थडे था ये। अर्चना के बर्थडे की सारे फोटोज है, ध्यान से देखोगे तो। अच्छा, आपके बर्थडे की नहीं है क्या? एक ही तो है, तुम्हारे कईयों बर्थडे के फोटोज हैं। तो ये अर्चना का बर्थडे था, तो नागपुर में एक टेकड़ी मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध गणपति का मंदिर है, तो वहाँ पे हम लोग गए थे, तो ये वहाँ का फोटो है। और ये है हमारा रीसेंट एनिवर्सरी, विच वॉज आर फोर्थ एनिवर्सरी। अच्छा, 4 साल हो गए क्या? यस मैडम। ओके, एक लपाड़ मारू क्या? 4 साल हो गए क्या? 4 साल कंप्लीट होने की के बाद वाला जो एनिवर्सरी, 5th शुरू हो चुका है बोल सकते हो जो भी। ओके, तो यस, दिस इज आवर हॉल ऑफ फेम। पहले ये थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट था और अब ये कलरफुल हो चुका है। पसंद कौन सा है? मेरा पसंद या नहीं? कलरफुल भी अच्छा लग रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट का अपना एक चार्म होता है। बट या फॉर अ चेंज दिस इज रियली वेरी नाइस। आई एम सरप्राइज्ड एंड थैंक्स अ लॉट मैडम। तो दोस्तों, मैं तो सरप्राइज हुआ ही, पर आप लोगों को वो सरप्राइज मिला क्या? जैसा मुझे फील हुआ वैसा आप लोगों को फील हुआ क्या? अर्चना ने जो सरप्राइज मुझे दिया, एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा कुछ अर्चना प्लान कर रही है। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, डू लाइक दिस वीडियो, और नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो एंड करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर। सलाम, नमस्ते, फिर मिलेंगे। हंसते हंसते कीप स्माइलिंग एंड स्प्रेड द लव। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सूचना जनहित में जारी।